गुरु नानक पातशाह उन्हां दी नज़र दे लई आओ अरजोई करदे आं गुरु फतेह नाल सांझ पा लीए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भागां वालिओ, जगत तारन आए गुरु नानक जी किवें परपकार कर रहे ने, ये गल अपने आपे विच बहुत विस्मादत है। उन्हें दी जीवन की गाथा बड़ी इस पक्षों वक् वक् तरह की टोह दें, उन्हां दी वडियाईयां नूं उजागर करदी, उन्हां दी जिंदगी दे जो रब्बी रजा विच गुजारे हुए पल ने उन्हां दी आपां नूं सो दिंदी, खबर दिंदी, जानकारी दिंदी है। ये तां ही है जे अपने अंदर अपने गुरदेव जी नूं जानन दे लई जिग्यासा इच्छा दा जन्म हो जाए। है नहीं रूहां जिन्हां रूहां उत्ते मेरे गुरुदेव जी बहुत बख्शिश, बहुत बख्शिश, बहुत बख्शिश। रूहां सचमुच गुरुदेव जी दे नाल जीउंदियां, गुरु जी नूं अंग संग अपने जान दिया, अज दी तरीक विच भी किधरे ना किधरे जिंदगी दे सफर अंदर मिल दी। ये बख्शियां साडी जिंदगी विच भी वापर सकदियां ने, मत सोचना। एक शब्द आपां सारे पल्ले बन लईए कि गुरु नानक जी आए ने, बस कितें गए नहीं। असीं गुरु नूं हाजरा हजूर कहने आ, आपां गुरबाणी दे पावन ते पवित्र शब्दां नूं पढ़दे हाँ, गुर मेरे संग सदा है नाले। ये वक्री गल है कि मेरे वर्गा बंदा इतने आके बहुत वड्डी कुताही कर जाए, गलती कर जाए, भुल कर जाए, गुरु जी दे नाल रहन वाली गल मेरे बेसमझ मन का हिस्सा ना बन सके। हुण गुरदेव दे विचित्र जीवन, हुण गुरदेव जी ने जदों इस सज्जन का इस व्यक्ति का उद्धार किया, इहदा की असर होया होएगा। वो लोग जिन्हां ने गुरु नानक सच्चे पातशाह नूं रहण लई थां नहीं सी दित्ता, टिकाणा नहीं सी दित्ता, जिन्हां दे घरां दे कुंडे गुरु नानक जी ने भाई मरदाना नाल लै के खड़खड़ाए होणगे, ते गुरदेव जी जाणदे होणगे दुनियादार किस बिरती दे ने। मेरे सच्चे पातशाह के मन में कोई निराशता नहीं आई होगी, नहीं टिकाणा दिता तो गुरदेव निराश हो गए होंगे। किधरे भी कभी सानू उन्हां दी जिंदगी दी साखी करदिआं करदिआं एक शब्द नहीं जे मिलता कि किधरे गुरु नानक जी ने किसी नूं सराफ दिता होवे। गुरदेव तो बख्शिंद ने, हुण गुरदेव सच्चे पातशाह जदों इत्थे रह के झुग्गी च रह के इत्थे रात कट्टीए, दिन भी लग्गिया होएगा, ते गली दी गली चर्चा भी छिड़ गई होएगी, आसे पासे
गुरदेव दे इत्थे चले जाण दे कि जो मुसाफिर जिन्हां नूं असीं टिकाणा नहीं सी दित्ता, वह मुसाफिर जिन्हां मेरे घर का कुंडा खड़काया से, वह मुसाफिर जिन्हां मेरे घर का कुंडा खड़काया से, वह मुसाफिर जिन्हां मेरे घर रहण दी इच्छा प्रगट की से, मैं भी थान नहीं दिता, मन नहीं दिता, मन पता किन्नियां दे घरां दे चर्चा करन लई कितें सठ च इकट्ठे हो गए होणगे। उस व्यक्ति को गुरु नानक जी चले गए जिन्हां नूं लोकी जी दे नेड़े जाना पसंद नहीं करते। पर साडे लई सिख्या है गुरु नानक जी दे कहाउण वालियां दे लई, इह गुरदेव जी का पैगाम है, ऐ रब दे रस्ते ते तुरन वाले बंदिया, यह जिंदगी तेनों सेवा लई मिली है, जिंदगी तेनों भले लई मिली है, जिंदगी तेरे दूजे की मदद करने वास्ते मिली है, जिंदगी दूजे की जिंदगी के दुखन दूर करने वास्ते मिली है, जिंदगी केवल तेनों अपने लिए जीने वास्ते नहीं मिली। यह गल गुरु नानक सच्चे पातशाह जी ने सानू वार 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 अपने दसा जामियां दे विच भागां वाले समझाई है, साढ़े अंदर पाई है। हम इस नगरी च जिन्होंने टिकाने नहीं दिते, जिन्होंने कुंडे नहीं खुले, जिन्होंने घर के दरवाजे ढोले होंगे, हूँ जो गुरदेव के परपकार का इतने पता चले होएगा, जो इतने खबर घूमी होएगी कि जितना जिन्होंने असी नहीं अटकाया, जिन्होंने आप थान नहीं दिते, जिन्होंने असी घर दरवाजे तो अंदर नहीं आन दिता, वह तो उत्थे चल गए जिदे लागे असी नहीं सी जाते, जिदे आप डरते से कि छूत की बीमारी है, लग गई रोगी हो जावांगे, ये रोग सानू चंबड़ जाएगा, ये साड़ी जिंदगी तबाह कर देगा, असी बच्चिया रोकया, आप भी रुके, असी उस पासे जाना ही बंद कर दिता, कमाल हो गया, ये गजब हो गया। वो बंदा तंदुरुस्त हो गया, वो बंदा रोग मुक्त हो गया, ये चर्चा कौन कर रहे ने? वो लोग जिहड़े गुरु नानक जी नूं थान नहीं देण लई तैयार नहीं होए, और वो जिहड़े गुरु नानक नूं पछाण ही नहीं सके, वो मनुख जिन्हां नूं गुरु नानक दी नहीं पता लग्या, जिन्हें गुरु नानक जी दे निमृत भावना तो वाकफ नहीं हो सके, जे कि समझ लग जाती, एक नहीं दूजा खोल दिता, दूजा नहीं तीजा खोल दिता। पर सच्चे पातशाह ने कौतक ही तरह का होना सी, सारे पिंड वालियां नूं नहीं, उन्हां दी भुल दा, उन्हां दी बेसमझी दा, उन्हां दी मैं दा, उन्हां दे हंकार दा, उन्हां दे बेसमझ होण ते अग्ञानी होण दा अहसास गुरु नानक उन्हां नूं नहीं करवाना सी। जे गुरु नानक जी सीधी झुग्गी च आ जांदे ते शायद जिहड़ा अहसास हुण उन्हां दे मनां च जागिया है वह अहसास इस रूप में ना हुंदा। उन्होंने मन के उत्ते लगी हुई कालख वाले पर्दे जड़े सन, वो भागा वाले वो ना खुलते, जड़े हुण गुरदेव सच्चे पातशाह सारे घर टो के उत्थे गए ने, तो उत्थे जिस व्यक्ति को गए ने उन्हें तंदुरुस्ती की दात मिल गई है। उहदा मन रब तो जो टुटिया होया से, अज्ञानता दे कर्म करता से, उस बंदे अंदर अपनी जिंदगी भर दी गलतियां दा पूर्ण तौर पर एहसास हो गया, वह फिर भुल्ले च रोया होएगा, गुरदेव के चरणों च अथरू बहा बहा के मन की कालख नूं दूर किया होएगा, पछतावे दे वगदे वहण ने मन की मैल उतार दिती होएगी। ते हुण जब मन की मैल उतर गई, सियाणियां दा कथन वी है, नरोवा मन जड़ा ना उहदा तन भी नरोवा हुंदा है, मन दा नरोवापन ज्ञान है, जीवन दी सूझ है, जीवन दी समझ है। हुण गुरदेव सच्चे पातशाह जी दे इस धरती दे वरतारे हुए वरतारे ने इस मनुख नूं जिंदगी दा ऐ मरोआपन जदों मिल गया, फिर नगरी दे लोकां ने चुरमुट पाई होएगी, मेरे गुरु बाबा नानक जी दे कदमां ते डिगे, ये किवें डिगे होणगे, ये ते पागा वाले
कदी सानू जदों कदी मेरे पापी मन में अपनी बेसमझियां का कदी एहसास हो के जदों कदी गुरदेव के चरणों ते टाएगा उदों ही पता लगना है कि गुरदेव के चरण किन्ने मुबारक ने, गुरदेव के वचन किन्ने मुबारक ने, गुरदेव किन्ने परोपकारी ने, गुरदेव किवें संसार के मनुखां का भला करते ने, तारदे ने, जिन्हां दा कोई नहीं उहदे गुरु नानक जी बनते ने। हुण सारा नगर टुक गया, गुरदेव सच्चे पातशाह ये झुग्गी विच बैठे होणगे, ये नवां नरोया होया व्यक्ति भी झुग्गी चों बाहर आ गया होएगा, गुरु नानक दी प्याल गलवकड़ी का हिस्सेदार बनिया होएगा। अगे दी बात आप अगले पड़ा ते गुरदेव जी की कृपा नाल करन दा उपर जतन करांगे। भागा वालियो, इन्नी क सेवा थाएं कबूल कर लेनी, भुलां दी दिओ माफ़ी, अदब नाल कह दिओ वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की।